ये व्हाट्सअप गई इसके आप सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मिलिट्री कर्नल को मैंने एक रॉयल विंटेज कार गिफ्ट करी थी, क्योंकि उसने उस हैकर को ट्रेवर को छोड़ने की परमिशन भी दे दी थी। अब उस हैकर ने हमें एक सीक्रेट लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाया था और वहां पर जाकर हमने ट्रेवर को ले लिया। लेकिन जब हम लोग वहां से वापस आ रहे थे तो बीच रास्ते में ना हमारे ऊपर काफी खतरनाक टेररिस्ट का अटैक हुआ, जिसके अंदर जैसे तैसे करके मैंने कुछ टेररिस्ट को तो मारा और जैसे ही हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ कर वहां से भाग के निकल ही रहे थे तो अभी पता चला कि गाड़ी की जो पीछे वाली डिक्की है उसके अंदर उन्होंने बॉम्ब प्लांट कर दिया। अब यार वो जो बॉम्ब था भाई वो काफी ज्यादा डेंजरस था, तो अपनी गाड़ी से कूद के मैंने उस गाड़ी को एक खाई में फेंका। और अच्छी बात हुई थी कि ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी सही टाइम पर कूद गए और वो जो गाड़ी का बॉम्ब है कुछ देर बाद ही वो ब्लास्ट हो गया, जिससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा और हम लोग दूसरी गाड़ी लेकर जल्दी से लॉस सैंटोस वापस आ गए थे। और वापस आते ही मेरी मिलिट्री कर्नल से दोबारा बात हुई और मिलिट्री कर्नल ने यह बोला कि वो थोड़े टाइम के लिए लॉस सैंटोस से बाहर जा रहा है। और जाते जाते उसने ये कहा कि जो तुम्हारा दोस्त है अंडरवाटर माफिया वो आज भी जिंदा है, पहले फेक न्यूज दिखाई गई थी और अगर तुम्हें उसे बचाना है तो उसके लिए तुम्हें बिग माफिया के भाई को भी मरवाना पड़ेगा। अब यार देखो ये जो चीज है ना मेरे को काफी ज्यादा बेकार लगी मिलिट्री कर्नल की, मतलब इस चीज के बीच में यार बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यार दोनों ही हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं, अंडरवाटर माफिया ने भी हमें कई बार बचाया है और बिग माफिया के भाई ने तो भाई हमको पूरा का पूरा अपना अरीना वॉर का बिजनेस तक गिफ्ट करा है। अब यार देखो सीन ये है कि मुझे अंडरवाटर माफिया को बचाना भी है और बिग माफिया के भाई को मारना भी नहीं है। अब ये जो चीज है भाई मिलिट्री कर्नल नहीं सुनने वाला, उसको बस ये चाहिए कि बिग माफिया के भाई को हम लोग मार दें और वो अंडरवाटर माफिया को छोड़ देगा। अब यार देखो वो तो चलो यार बात की बात है, अब इसके जो आगे क्या करना है कैसे करना है सब कुछ लेस्टर बताएगा, तो भी लेस्टर के पास मैं चलूंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन गाइस अभी ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जो मेरी गोल्ड लिमोजिन थी ना आपने नोटिस करा होगा लास्ट टाइम वो यहां पर नहीं थी, तो वो पता है कौन ले गया था? वो ले गया था जिमी, यानी जो माइकल का सन है भाई, आजकल वो माइकल की गाड़ियां ड्राइव करने लग गया है। तो भी जल्दी से चलते हैं उसके पास, उससे पूछते हैं उसने जो गाड़ियां कहां पर खड़ी करी है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं उसने गाड़ी ठोक दी हो और इधर उधर छुपा दियो या फिर कहीं ले जाके बेच दियो। अभी फिलहाल वो नजर भी नहीं आ रहा, तो ओके ये रहा, तो अभी जल्दी से इसको मैं अपने साथ लेकर चलता हूं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर इसकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है और गाइस ये कह रहा है कि ये अपनी गोल्ड लिमोजिन को अपने घर से ड्राइव करके ले गया था दूसरे वाले गैराज तक, ताकि कोई घर से चोरी वोरी कर ना ले जाए। वैसे काम तो इसने बिल्कुल ठीक करा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी से उन्हें ड्राइव कैसे कर ली यार। मतलब लिमोजिन इतनी ज्यादा लंबी कार है ना, उसको ड्राइव करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। खैर छोड़ो, कोई ने भी मेरे को ना इस पर पूरा विश्वास नहीं है, तो भी जल्दी से ना मैं इसे अपने साथ ही लेकर चल रहा हूँ अपने गैराज तक। वहां पर चलकर देखते हैं अपनी गाड़ी है या फिर नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी गाड़ी ले जाकर इसने कहीं बेच दियो और हमें पागल बना रहा हो। बाकी यार अभी जल्दी से चलते हैं सीधा इसके साथ बाकी अपनी लैम्बोर्गिनी से आने, और मैं कितने दिनों बाद चला रहा हूं, तो अपना जो गैराज है यहां पर हमको लेफ्ट वाले रोड पर जाना है। अभी जल्दी से चलकर देखते हैं वहां पर अपनी गोल्ड लिमोजिन है या फिर नहीं है। और यार मैं एक काम करता हूं, अपनी जो बुगाटी डीवो है ना जो कि हमने एक रेस टूर्नामेंट में जीती थी, उस टाइम पर मार्टिन मद्रासो के घर के बाहर खड़ी हुई है। अगर इसको ड्राइविंग आती है जिमी को तो मतलब लिमोजिन ले जा सकता है, तो भाई फिर वो भी ड्राइव कर ही लेगा। तो जल्दी से वहां से ना बुगाटी डीवो भी लेकर आ जाएंगे, मैं अपनी सियान ले आऊंगा, वो बुगाटी डीवो ले आएगा। वैसे जो अपना गैराज है यार इसी रोड पर था, तो एक तो मैं गैराज भी भूल जाता हूं, तो भी जल्दी से आगे चलते हैं। और भाई लैम्बोर्गिनी सियान को ठोकना मत, मैं बहुत दिनों बाद चला रहा हूं। तो चलो गाइस अभी फिलहाल हम लोग अपने सीधा गैराज पर पहुंच चुके हैं, जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहां पर राइट मोड़ता हूं। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़े कर देता हूं, अभी जल्दी से अंदर चलकर देखता हूं कि आखिरकार इसने अंदर गोल्ड लिमोजिन खड़ी करी थी या फिर ये झूठ बोल रहा है। वैसे तो मेरे हिसाब से सच ही बोल रहा होगा, क्योंकि हमारे साथ यहां तक आ गया भाई। तो भी फटाफट से मैं गैराज खोलता हूं और अंदर चलकर देखते हैं अपनी गोल्ड लिमोजिन है या फिर नहीं। वैसे होगी, बाकी तो यहां पर ये देखो भाई गोल्ड लिमोजिन तो अंदर है, लेकिन यार एक दिक्कत की बात मेरे को ये लग रही है कि इतनी बड़ी गाड़ी ड्राइव करके कैसे ले आया और बिल्कुल एक भी डेंट नहीं आया भाई कार पे, बिल्कुल एकदम वैसी वैसी शाइन कर रही है। वैसे अच्छी बात है अपनी गाड़ी बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई और चोरी होने का ना खतरा गाइस बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरी प्योर गोल्ड की कार है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपने गैराज से बाहर आ चुका हूं, जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यहां से निकल लेते हैं सीधा मार्टिन मद्रासो के घर के लिए। और वहां पर जाकर ना गाइस अभी मैं जल्दी से अपनी बुगाटी डीवो भी लेकर आने वाला हूं। वैसे बुगाटी डीवो मैं इसको ही दे दूंगा, ये अपना लेकर आएगा, और बाकी मैं चले जाऊंगा सीधा बैनी के पास अपना, यार जितना भी शोरूम से रिलेटेड काम है उसको खत्म करता है, क्योंकि बैनी कह रहा है कि काफी सारी गाड़ियों के ऑर्डर भी आए हैं और 3-4 गाड़ियां ना हमें लिबर्टी सिटी से खरीद के भी लानी है, मतलब बहुत सारे काम है। नया शोरूम भी खरीदना है, वो जो शोरूम है आजकल छोटा पड़ जाता है, और वैसे इस टाइम पर हमें गैंगस्टर वगैरह से खतरा नहीं है, तो हम कहीं पर भी शोरूम खोल सकते हैं। पहले तो ये था, हमने शोरूम नॉर्मली ओपन खोला था, लेकिन उसके ऊपर अटैक हो गया था, पूरा जला दिया था, सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो गई थी, बट अभी इतना खतरा नहीं है, सब लोग हमसे डरते हैं तो कोई भी अपने ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा मार्टिन मद्रासो के घर पर। और गाइस यार ये जो कार है ना मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल भी ठुकती ही नहीं है, मतलब ऐसी ऐसी पतली पतली जगह से मैं इसकी कटिंग्स निकालता हूं ना भाई, मतलब मजा ही आ जाता है। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर खड़ा करता हूं। और यार देखो मार्टिन मद्रासो का घर है ना काफी ज्यादा अच्छी जगह पर है, काफी बड़ा घर है, और मेरे को लग रहा था कि इस घर को हम अपना पर्सनल हाउस बना लेते हैं, लेकिन यार कोई फायदा नहीं, अपना घर ही ज्यादा बढ़िया है। और यहां पर आप लोग देख पा रहे हो ये अपनी बुगाटी डीवो काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है, मतलब यार ऐसा लग रहा है
एक महीने से यहाँ पर खड़ी है, तो चल एक काम कर भाई जिमी, ये गाड़ी तू चला, अपनी लैम्बोर्गिनी से यार मैं ही चलाता हूँ, तो अभी जल्दी से इसे लेकर चलते हैं, वॉश वॉश करवाते हैं। बाकी अभी ना मेरे को लेस्टर का कॉल आया, लेस्टर मिलने के लिए बुला रहा है, तो वैसे उसको भी मेरे से मतलब मिलना ही था और मैं भी उसको कुछ बताना चाहता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने जिमी को बोल दिया है वो गाड़ी को घर पे ले जाके पार्क कर देगा वॉश करवा कर, तो अभी हम लोग भी फटाफट से यहाँ पर से निकलते हैं। बाकी तो यहाँ पर आप लोग यार देख ही पा रहे हो जिमी को भाई कितनी ज्यादा तगड़ी ड्राइविंग आ गई है, और भाई आराम से चला भाई, कितनी तेज भगा कर ले जा रहा है। तो चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल मैंने बोल दिया वॉश वॉश करवा के गाड़ी एकदम आराम से पार्क कर दियो। बाकी अभी ना हम लोग यार फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं। यार ये तो कुछ ज्यादा तेज नहीं चला रहा, मेरे को लगता था ट्रैवर सबसे तेज चलाता है, लेकिन यार ये तो उससे भी ज्यादा ट्रिपल स्पीड में चला रहा है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल जिमी अपनी बुगाटी डीवो लेकर यहाँ से सीधा जा चुका है, मुझे अपनी गाड़ी को इधर से लेफ्ट मोड़ना है, क्योंकि गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ लेस्टर की फैक्ट्री के लिए, उसी जगह पर उसने मेरे को मिलने के लिए बुलाया, और अभी जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं और देखते हैं आखिरकार क्या प्लान है लेस्टर का, उसको पूरी की पूरी बात हम लोग बता देंगे। मिलिट्री कर्नल ने हमें ऑफर दिया है अंडर वाटर माफिया को बचाने के लिए, लेकिन उसके लिए बिग माफिया के भाई को माना है, और देखते हैं इसको सुनने के बाद लेस्टर क्या कहता है। तो भी फटाफट से अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को फुल स्पीड में भगाते भगाते निकल लेता हूँ। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा लेस्टर की फैक्ट्री में, यानी कि जो लेस्टर का सीक्रेट बेस है वहां पर। तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को इधर से पूरा का पूरा यू टर्न लेता हूँ। और वैसे ना गाइस आप लोग को इस जगह की एक खास बात नहीं पता होगी, मतलब क्या यार यहाँ से भागने के या फिर यहाँ पर आने के ना तीन चार रास्ते हैं, और पहला रास्ता तो समझ लो ये हो गया, दूसरा रास्ता ये हो गया, और तीसरा रास्ता एक पीछे रेलवे ट्रैक वाला है, और एक गली ना गाइस यहाँ पर भी जा रही है। अभी फिलहाल मैं इधर तो आ गया, और गाइस मैंने एक चीज नोटिस करी, अपने सामने कुछ खतरनाक चीज खड़ी हुई है। अब यार देखो ये जो यहाँ पर आप पीछे रेंज देख पा रहे हो, ये तो फिलहाल फ्रैंकलिन की है, लेकिन ये येलो वाली लैम्बोर्गिनी लेस्टर की है क्या भाई? कसम से काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। लेकिन गाइस एक बात बताऊं, ये ना देखने में मेरे को अपनी लैम्बोर्गिनी लग रही है। आप लोग को याद होगा काफी टाइम पहले ना सेम टू सेम ऐसी लैम्बोर्गिनी बैनी ने हमारे लिए मॉडिफाई करी थी, जिसको हम लोग एक जगह पर छोड़कर आ गए थे, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था उसको लेकर आने का। फिलहाल देखने में वैसे ही लग रहा है, कलर भी बिल्कुल वैसे ही है, मॉडल भी यही वाला है, लेकिन अभी पता नहीं है किसकी लैम्बोर्गिनी है। अभी जल्दी से ऊपर चलते हैं, देखते हैं इनमें से किसी की होगी। फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन भी आया हुआ है, अच्छी बात तो ये है। अभी फटाफट यहाँ पर हम लोग लेस्टर से बात करते हैं और देखते हैं इस बारे में लेस्टर क्या कहता है। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं यहाँ पर ऑफिस के अंदर तो आ चुका हूँ, फ्रैंकलिन तो अपना चिल मार रहा है, लेकिन ट्रेवर इतना ज्यादा उदास क्यों है? अभी इन तीनों से बात करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है, और गाइस लेस्टर कह रहा है कि अभी ना वो पूरी कोशिश करेगा कोई ऐसा प्लान बनाने की कि जिसके अंदर हम लोग अंडर वाटर माफिया को भी बचा ले और हमें बिग माफिया के भाई को मारना भी ना पड़े। अब यार देखो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन गाइस अभी ना अपना एक दोस्त जो है वो हमें छोड़कर जा रहा है। मतलब यार ट्रेवर कह रहा है कि वो ना इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया लड़ लड़के, और वो अपने गांव वापस जाना चाहता है कुछ टाइम के लिए। अब वहां पर ना इसके कुछ दोस्त हैं, तो ये वहीं पर थोड़े टाइम के लिए रहेगा। बाकी यार देखो जाने को तो ये अकेले भी जा सकता था, लेकिन लेस्टर ने हम तीनों को मना कर रखा है अकेले शहर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि इस टाइम ना हमें टेररिस्ट से बहुत ज्यादा खतरा है, बाकी वरना अभी तक तो ट्रेवर जा चुका होता। तो यार देखो अभी तक तो फिलहाल लेस्टर ने ट्रेवर को यहीं पर रोक के रखा हुआ था कि जब तक माइकल नहीं आ जाएगा, मीन्स जब तक तुम तीनों इकट्ठे नहीं हो जाओगे तब तक शहर से बाहर नहीं निकलना। अभी फिलहाल यहाँ पर हम तीनों भी इकट्ठे हो चुके हैं, यार अभी ना हमें ट्रेवर को छोड़कर आना पड़ेगा। तो यार अभी जल्दी से, ये दोनों गाड़ियां तो अभी किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम तीन बंदे हो गए और ये दोनों गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ डबल सीटर है। तो अभी जल्दी से यहाँ पर फ्रैंकलिन की रेंज निकालते हैं। वैसे गाड़ी तो फ्रैंकलिन की भी बहुत ज्यादा बढ़िया, एक सेकंड उतरो, पीछे की डिक्की मैंने खोल दिया है, फटाफट से उसके अंदर पहले बैग रखते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर जो दोनों बैग्स है वो मैंने गाड़ी की डिक्की में रखवा दिया है। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट से ये जो डिक्की है बंद करवा कर यहाँ से निकल लेते हैं सीधा ट्रेवर के गांव के लिए। वैसे भी ना हमें ट्रेवर के गांव पे नहीं जाना, उससे थोड़ा आगे जाना है। तो चलो गाइस ऑल डन, फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालता हूँ, और अभी ना गाइस मैं शॉर्टकट पकड़कर जाने वाला हूँ सीधा ट्रेवर के गांव। वैसे यार ये जो रास्ता है ना एक टाइप से शॉर्टकट भी कह सकते हो, और काफी ज्यादा बढ़िया रास्ता भी कह सकते हो। मतलब ये जो लेस्टर की फैक्ट्री है ना, ये एक ऐसी जगह पर है कि कल को अगर यहाँ पर पुलिस की रेड होती है ना, तो हम लोग ऐसे ऐसे रास्तों से निकलकर भाग सकते हैं कि किसी को कुछ भी मालूम भी नहीं पड़ने वाला। वैसे यार अभी ये भी सीधा रास्ता है ट्रेवर के गांव जाने का, बाकी यार यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना हाईवे आ जाएगा। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लॉस सैंटोस से लेकर थोड़ा ही आ गया हूँ, और भाई इधर तो एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा है, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार मैं हाईवे से क्यों नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर नॉर्मल रास्ते से गाइस मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यार हाईवे पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज का, शायद से ना आगे कोई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी की गाड़ी ना क्रैश या ब्लास्ट हुई है, पता नहीं क्या सीन है। खैर छोड़ो जो भी है, अभी जल्दी से ये जो रास्ता है ना ये शॉर्टकट भी है, उतना ही पड़ेगा, बट ये है कि रोड काफी पतला है। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर ट्रेवर के दोस्त यार रहते हैं, और गाइस मैं बात कर ही रहा था कि बारिश वाला मौसम हो रहा है, और थोड़ी देर में इतनी जोर की बारिश होने लग गई है आप लोग को नजर ही आ रहा होगा, भाई गाड़ी की ना एकदम धचिया उड़ चुकी है, पूरा का पूरा कीचड़ भर गया होगा मेरे को तो ऐसा लग रहा है। लेकिन यार कोई नहीं, एक टाइप से काफी मस्त ऑफ रोडिंग टाइप सा हो रहा है यहाँ पर। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं अंदर लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर तो गेट है, रुक जाओ यार ये गेट मेरे को ही खोलना पड़ेगा उतर के, यार यहाँ पर कोई गार्ड वगैरह नहीं रहता क्या, कैसी जगह ये? तो चलो अभी जल्दी से इसको खोलते हैं,
और वैसे भी यार ये यहाँ पर गांव में अभी ये कैसा गेट है, इतना हल्का गेट है, बेमतलब मैं गाड़ी से उतर गया। इसको तो गाड़ी में बैठे बैठे हम लोग खोल देंगे। जल्दी से बैठ फ्रैंकलिन, जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं अभी अंदर लेकर चलता हूँ, बाकी ये गेट टूट ना जाए, कुछ ज़्यादा ही हल्का गेट है। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं ट्रैवर के दोस्तों के घर। फिलहाल यहाँ पर मेरे को कोई भी नहीं, ओके तो वो देखो वो खड़ा अपना ट्रैवर का दोस्त, जल्दी से इससे बात करते हैं। इतनी तेज़ बारिश हो रही है और भाई सच्ची में पूरा ही ट्रैवर जैसा है। यहाँ पर देखो एकदम फुल डांस वांस करने में मस्त हो रखा है, इसका डांस ही देख लेते हैं। ओ भाई इसका डांस देखो। तो गाइस देखो बिना फिलहाल ये दोनों तो यहाँ पर आते ही अपना फुल एकदम डांस करने में मस्त हो चुके हैं। लेकिन गाइस यार हम दोनों को अपना टाइम इधर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि गाइस यार अभी ना अंडर वाटर माफिया को भी बचाना है। अब यार देखो यहाँ पर निकलने से पहले ना मैं एक चीज देख लेता हूँ कि ट्रैवर इधर सेफ है या फिर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि इधर मस्ती मार रहा है इसको टेररिस्ट आकर मार जाए। अभी फिलहाल इधर ना हमें अपना एक एजेंट रखना पड़ेगा, ताकि अगर ट्रैवर को कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो सीधा हमें कॉल करके बता दे और हम लोग यहाँ पर आ जाए। अभी जल्दी से घर के अंदर चलकर देखते हैं कैसा घर है। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं। और इधर सामने की लाश किसकी पड़ी हुई है, एक सेकंड, ओके लाश नहीं है भाई, ये बंदा जिंदा है, इसकी सारी की सारी बोतल्स खत्म हो चुकी है और ये पी पी कर इधर बेहोश हो चुका है, तो इसको इग्नोर ही मारो ज्यादा बढ़िया है। वैसे ये जो घर है भाई मतलब अच्छा सा है, छोटा सा। ओ भाई यहाँ पर एक बंदा और पड़ा हुआ है भाई, इधर क्या ही हालत हो चुकी है। एक सेकंड तू भी अपनी शक्ल, भाई इधर तो कोई भी ढंग का बंदा नहीं है, मतलब यार इनके भरोसे में इधर ट्रैवर को नहीं छोड़ सकता, एक एजेंट रख देंगे। तो चलो गाइस बिना फिलहाल हम लोग इस घर के बाहर आ चुके हैं, अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं वापस सीधा लॉस एंजेलिस के लिए, और देखता हूँ मुझे किस एजेंट को यहाँ पर भेजना चाहिए। एफआईबी के दो तीन बंदों से अपनी बातचीत है, शायद से वो लोग आ जाएंगे। तो भी जल्दी से फ्रैंकलिन गाड़ी में बैठ, अभी फटाफट से मैं ही ड्राइव करके जाने वाला हूँ। और भाई इधर सच्ची में बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, और यहाँ पर एक रास्ता और है जहाँ से ट्रैवर अपना आ जा सकता है। मतलब यार अभी ना मैं बेसिकली पूरे का पूरा ट्रैवर की सेफ्टी पर ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि टेररिस्ट से बहुत ज़्यादा खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि टेररिस्ट ट्रैवर को अच्छे से पहचानते हो और आके इसे मार जाए, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो भी जल्दी से, ओ भाई मैंने गलती से गेट तोड़ ही दिया, और वैसे गेट जुड़ा भी नहीं था भाई, ऐसा लगा रखे हैं इन्होंने बस ये। तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से वापस निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ लॉस सैंटोस। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि इधर मौसम कितना ज़्यादा खराब हो रखा है, मतलब कि यार एकदम जोरदार बारिश हो रही है, और देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे यार शाम के 6 से 7 बज रहे हो, लेकिन जो एकदम एग्जैक्ट टाइम है ना वो भी 1 से 2 बजे के बीच का है, पता नहीं यार क्या सीन है। खैर छोड़ो, जो भी है अभी जल्दी से मैं चलता हूँ सीधा लेस्टर की फैक्ट्री में, क्योंकि यार लेस्टर ने एकदम कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि उसने अंडर वाटर माफिया को बचाने का प्लान पूरा का पूरा बना लिया है। तो अभी जल्दी से हम लोग लेस्टर के पास चलते हैं। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर सामने में पेज हैरिस का भी ट्रक देख पा रहे हो, जो कि लेस्टर की बहुत तगड़ी फ्रेंड है, वो भी काफ़ी बड़ी हैकर है। तो भी जल्दी से ना यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को पीछे पार्क करता हूँ। यार देखो इतनी ज़्यादा भीग चुकी है ना अपनी दोनों लैम्बोर्गिनी, एकदम धुल गई होगी, वॉश करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं अपनी गाड़ी से उतर चुका हूँ, और गाइस गाड़ी से मेरे को याद आया कि जो ट्रैवर के बैग है वो तो भाई अपनी कार के अंदर ही रह गए। शिट यार उसको बैग देना ही हम भूल गए, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना फ्रैंकलिन को एक राउंड वहाँ पर और लगाना है, क्योंकि मैंने बोला था कि ट्रैवर के लिए हमें एक एजेंट वहाँ पर रखना है, ताकि ट्रैवर को कोई भी दिक्कत आए तो वो सीधा हमें इन्फॉर्म कर दे। तो फ्रैंकलिन उस एजेंट के साथ वापस जाएगा ट्रैवर के वहाँ, तो दोबारा से बैग पकड़ा देगा। खैर छोड़ो, जो भी अभी जल्दी से यहाँ पर मैं अंदर आ चुका हूँ, और अब जाके थोड़ी बहुत शांति हुई है, मतलब कि यार बिजली कड़क रही है, इतनी ज़्यादा तेज बारिश हो रही है कि कुछ ढंग से सुनाई भी नहीं दे रहा था। तो चलो यार अभी फिलहाल मैं अंदर आ गया हूँ, और यहाँ पर देखते हैं लेस्टर ने क्या प्लान बनाया है। इसकी फ्रेंड भी यहीं पर है, लेस्टर भी यहीं पर है, और प्लानिंग तो बहुत तगड़ी हुई है। चलो यार इसे जल्दी से बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है, और गाइस लेस्टर ये कह रहा है कि उसने अंडरवाटर माफिया की लोकेशन ट्रैक कर लिया है, और अब हमें बिग माफिया के भाई को मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उस लोकेशन पर जाना है और अंडरवाटर माफिया को वहां से रेस्क्यू करा कर लाना है। बट साथ के साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि मिलिट्री कर्नल को ये पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर उसको मालूम पड़ गया तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और फिर वो दोबारा से हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। अभी तो फिलहाल एक टाइप से अपना फ्रेंड बन के रह रहा है। और गाइस जो लेस्टर का प्लान है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो देखो जो लोकेशन ट्रैक हुई है वो है मिलिट्री बेस के सीक्रेट बेस में। अब देखो सीक्रेट बेस में जाने के लिए हमें काफ़ी सारे एक्सेस चाहिए हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैक भी करनी पड़ सकती है। तो लेस्टर के प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें मिलिट्री बेस के अंदर एंटर होना है। अब यार देखो मिलिट्री बेस के अंदर हम लोग मेन गेट से आराम से जा सकते हैं, लेकिन यार उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर हम कोई भी हरकत करेंगे तो यार उनका शक सीधा हमारे ऊपर जाएगा, और अगर हम लोग साइड से भी एंटर होंगे तो काफ़ी ज़्यादा सीसीटीवी है, वहाँ से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए लेस्टर ने एक ऐसी जगह पता करी है जहाँ से हम लोग मिलिट्री बेस के अंदर चले जाएंगे और किसी को भी मालूम नहीं पड़ने वाला। उसके लिए चाहिए होगी हमें फायर फाइटर की ड्रेस। अभी फिलहाल बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो मेरे हिसाब से भी बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। जैसी बारिश रुकती है हम लोग बाहर निकलेंगे और फायर फाइटर की ड्रेस लेकर आएंगे, उसके बाद देखते हैं लेस्टर में क्या बताता है। वैसे ये जो प्लान है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि फायर फाइटर की ड्रेस तो हम ले ही लेंगे, उसके साथ में गाइस हम एक ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर लेकर जाने वाले हैं जिसके अंदर से CO2 तो निकलेगी, साथ के साथ फायर फ्लेम्स भी निकलने वाली है। मतलब कि यार ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ना अपने लिए एक टाइप से सीक्रेट वेपन का काम करने वाले हैं। तो ये रहे वो 4 के 4 फायर एक्सटिंग्विशर जो कि लेस्टर ने स्पेशली हमारे लिए बनवाए हैं। तो चलो गाइस फाइनली पूरे के पूरे 2 घंटे बाद बारिश रुक चुकी है और मौसम दोबारा
दोबारा से साफ हो गया है और लेस्टर जो है अपना और भी आगे प्लानिंग करने में लगा पड़ा है कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। खैर छोड़ो, जो भी है, अभी फिलहाल फ्रैंकलिन मेरे साथ नहीं चलने वाला और मैं जा रहा हूँ सीधा फायर डिपार्टमेंट, क्योंकि अभी मेरे को फायर फाइटर्स की ड्रेस चाहिए जो कि मेरे को लेस्टर ने गई थी। तो अभी जल्दी से अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठते हैं और भाई सारे रोड एकदम गीले पड़े होंगे तो अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप होने वाली है। वैसे मेरे को फ्रैंकलिन की गाड़ी ले जाने का मन है, बट अभी यार देखो फ्रैंकलिन को भी तो जाना है ना अपना लेस्टर को, सॉरी ट्रैवर के पास जाएगा वो। तो अभी जल्दी से मैं अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर निकलता हूँ सीधा फायर डिपार्टमेंट। एक बार मैं याद करता हूँ मैप में था कहाँ पर, मेरे को एक बार ना गूगल मैप्स में सेट करना पड़ेगा, तो शायद से यही है फायर डिपार्टमेंट। तो अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को वहाँ पर लेकर चलते हैं और जल्दी से ड्रेस लेकर आते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर पहुंच चुका हूँ फायर डिपार्टमेंट के पास। एक काम करता हूँ गाइस, सीधा जाने से बढ़िया ना एक बार मैं पतली गली से छुप के देख लेता हूँ कि आखिरकार उधर सिक्योरिटी है या फिर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उधर अटैक कर दूं और वहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी हो। फिलहाल काफी सारे बंदे तो मेरे को खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और अंदर एक गाड़ी भी खड़ी है। तो चलो गाइस, मामला ओल्ड है और यहाँ पर मैंने मास्क भी लगा लिया है, मेरे हिसाब से अब तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर आगे लेकर चलता हूँ और इधर जो भी बंदे हैं गाइस वो बहुत ही बुरी तरह पिटने वाले हैं। फटाफट से मैं अपनी गाड़ी से उतरता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर इसको क्या होगा भाई, ये ओबे तेरी भैंस की, अभी तो मैंने इनको कुछ कहा भी नहीं, बेमतलब ये लोग मेरे से चौड़े हो रहे हैं, अभी इनका गाइस मेरे को मुंह तोड़ना पड़ेगा भाई। कम से कम बेमतलब तो चौड़े मत हो। और यहाँ पर अच्छा है कि मैंने मास्क लगा रखा, रुक जाओ यहाँ पर अपना देसी कट्टा निकालना पड़ा, निकलो निकलो तीनों निकलो यहाँ से। और कोई आगे फालतू फटाफट किसी को मैं मारना चाहता, किसी को मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ओ भाई फटाफट फटाफट बार 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 बार, तू भी जल्दी 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 निकल यहाँ पर। अभी चलो गाइस यहाँ पर 7-8 थे। ओ भाई उसके तो बेचारे की गाड़ी नहीं टक्कर मार दी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अबे गाड़ी साइड कर भी उसके ऊपर ही चढ़ा कर ले जाता। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल सब कुछ हो चुका है, अब यहाँ से ना गाइस मेरे को इनका बैग चाहिए, इसके अंदर इनकी ड्रेस है, फटाफट इस बैग को लेकर यहाँ से निकलते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने ऊपर से बैग ले लिया और इसके अंदर 3 ड्रेसेस है टोटल। तो चलो यार अभी ना फटाफट मैं यहाँ से निकल लेता हूँ सीधा। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो, जो बंदा बेचारा रोड पर गया था ना, गाड़ी वाले ने उसे इतनी तेज टक्कर मारी कि वो दोबारा उठ ही नहीं पाया। तो बिना मेरे को इधर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ सीधा इस टाइम पर गाइस निकल लेता हूँ लेस्टर के पास वापस से। और गाइस अभी ना मेरे को एक चीज याद आई, लेस्टर ने मुझे बोला था कि यार उसको ना $500 मिलियन की जरूरत है। अब लेस्टर को पता है कि हमारे पास $800 मिलियन है, तो हम लोग मना तो यार देखो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब लेस्टर की वजह से ही है। अब यार देखो सीन क्या हुआ था कि ना लेस्टर के पास भी बहुत सारा पैसा था, बट जब उसने मार्टिन मद्राजो के घर में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया, वो सारा का सारा सामान मिलिट्री वालों ने कब्जा लिया, जितना भी गोल्ड वगैरह था, तो अभी ना यार लेस्टर को पैसा देना ही पड़ेगा। बट यार पैसे देने से पहले ना गाइस लेस्टर ने कहा था कि जब वापस आने लगोगे तो अपने लिए एक स्नाइपर का सप्रेसर ले लेना और जितने भी स्मोक ग्रेनेड्स हो सकते हैं ना वो सारे के सारे ले लेना, क्योंकि इस टाइम पर गाइस स्मोक ग्रेनेड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो भी जल्दी से ना यहां पर मैं स्मोक ग्रेनेड लेता हूं, आर्मर वगैरह ले लेते हैं। तो यहां पर फिलहाल मेरे को स्मोक चाहिए, वैसे स्टिकी बॉम्ब्स वगैरह सब कुछ है, तो स्टिकी बॉम्ब्स में मैं ले लेता हूं जितने भी हो पाते हैं। और ये स्मोक मेरे को मेन तो स्मोक चाहिए, जितने भी गैस वाले हैं ना ये सारे के सारे मैं ले लेता हूं, अभी फिलहाल इतने बहुत रहेंगे। यहां से आर्मर की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्मर मेरे को लेस्टर अपना वाला देगा जो कि उसने बनवाया है। तो अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और अभी ना आसपास कोई एटीएम वगैरह है क्या नियर बाय, क्योंकि लेस्टर को मेरे को पैसे भेजने हैं, वो भी $500 मिलियन, मतलब क्या 800 अपने पास टोटल है और 500 लेस्टर को देने पड़ेंगे। खैर छोड़ो कोई नहीं, अभी जल्दी से एटीएम ढूंढते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैंने अपनी गाड़ी राइट मोड़ी थी और बैंक ही आ गया पूरा का पूरा। तो चलो यार अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को मैं इधर खड़े करता हूँ, अंदर चलते हैं, यहाँ पर इस एटीएम से पेमेंट कर देते हैं लेस्टर को $500 मिलियन की। तो ये आ गया अपना फ्ली का एटीएम, जल्दी से यहाँ पर एंटर होते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ पूरे के पूरे $500 मिलियन लेस्टर को। तो चलो भाई अभी ट्रांजेक्शन जो है अपना कंप्लीट हो गया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आखिरकार मेरे पास अभी कितना पैसा बचा हुआ है। तो यहाँ पर अपने बैलेंस में दिखा रहा है पूरे के पूरे $306 मिलियन, चलो ठीक है इतना ठीक रहेगा। अभी यहाँ पर 800 मैंने दे दिया, फटाफट से गाइस हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठते हैं और वापस से निकलते हैं लेस्टर के पास। अब यार देखो लेस्टर के ना काफी सारे आगे के प्लान्स हैं, अपना सीक्रेट बेस बनवाएगा और जितने भी वेपन्स वगैरह ना वो सारे के सारे लेस्टर को लाने होंगे, इसलिए शायद से पैसे ले रहा है। और लेस्टर कह रहा है कि जल्दी तुम्हारे पैसे, वो मतलब कि जो हमारे पैसे हैं वो वापस लौटा देगा, और वैसे अगर वो ना भी लौटाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी लेकर वापस आ चुके हैं और लेस्टर ने मेरे हिसाब से ना कोई तगड़ी चीज तो प्लान करी होगी। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से मैं अपनी लैम्बोर्गिनी को यहां पर लेफ्ट मोड़ता हूं और गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लेस्टर की फैक्ट्री में। अभी जल्दी से अंदर चलते हैं और ये जो ड्रेस है लेस्टर को मैं पकड़ा देता हूं। वैसे जो ड्रेस आई तो अपने लिए पहनी है, तो जल्दी से अपने कपड़े बदलते हैं और देखते हैं अभी लेस्टर आगे क्या प्लान बताने वाला है, हमें क्या करना है, कब जाना है, कैसे करना है, सब कुछ लेस्टर बताएगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर लेस्टर ने हमें पूरा का पूरा प्लान बता दिया और लेस्टर इस टाइम जा चुका है सीधा नीचे। वो कह रहा है कि वो नीचे एक ट्रक लेकर आया, उसके अंदर उसने पूरा का पूरा सेटअप कर लिया है। जल्दी से हम लोग भी अपने कपड़े बदलें और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये लेकर और साथ में इन बैग्स के अंदर जो वेपन्स है वो लेकर नीचे आ जाए। अभी के अभी हमें निकलना है सीधा अंडर वाटर माफिया को बचाने के लिए। तो चलो यार जल्दी से कपड़े पहले बदल लेते हैं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल हम दोनों ने अपने अपने कपड़े बदल लिए हैं। काश यार अपने साथ ट्रैवर भी होता तो ज्यादा मजा आता। खैर छोड़ो कोई नहीं, अभी मेन मजे की बात नहीं है, हमें अंडर वाटर माफिया को बचाना है और लेस्टर नीचे काफी
देर से हमारा वेट कर रहा है, तो भी फटाफट से लेस्टर के पास चलते हैं और अपनी लंबॉगनी यहाँ पर बीच में खड़े हो। खैर छोड़ो, यहाँ पर चोरी होने का कोई डर नहीं है, अपने काफी सारे सीसीटीवी लगे पड़े यहाँ पर। और बाकी ये जो लेस्टर की फ्रेंड है ये शायद से हमारे साथ नहीं जा रही, तो फ्रैंकलिन जल्दी से आ भाई, लेस्टर पीछे हमारा वेट कर रहा है। उसने ना एक ट्रक के अंदर अपना पूरा कंप्यूटर का सेटअप करा है, वो मेरे को देखना है। बाकी यार वहां पर चलने से पहले ये जो अपना फायर एक्सटिंग्विशर है ना, इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ एक बारी। तो यार ये देखो यहाँ पर ना इसके अंदर से स्मोक तो निकलता ही है, लेकिन साथ के साथ फायर फ्लेम भी निकलती है। ये देखो गाइस, ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल फायर एक्सटिंग्विशर है। मतलब इस टाइप की चीज ना यार मैंने भी आज से पहले कभी नहीं देखी थी। और ये फ्रैंकलिन कहां पर रहेगा, जल्दी से आइए। देखो गाइस, ये निकला धुआं और ये निकली आग, भाई बहुत जबरदस्त चीज है। तो भी जल्दी से ना चलते हैं सीधा अपने ट्रक के अंदर और देखते हैं अभी यहाँ पर कितना सेटअप कर दिया लेस्टर ने। अभी फिलहाल ओ भाई ये कहां खड़े कर रखा है ट्रक, भाई इसके अंदर ऐसे लग रहा है ये जो टनल है ना बनी इस ट्रक के लिए, इतना ज्यादा साइज एकदम फिट है। फिलहाल यहाँ पर लेस्टर अपना कंप्यूटर का सेटअप कर रहा है, ऊपर चढ़ के एक बार देख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर उसने तीन तीन मॉनिटर फिट भी कर दिया है। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। और गाइस जो लेस्टर की फ्रेंड है ना, वो यहीं से बैठकर शायद से इसकी हेल्प करेगी। तो चलो यार बहुत अच्छी बात है, वो अपने ट्रक से बैठकर हेल्प करेगी और ये हमारे साथ चलने वाला है। तो भी जल्दी से ना गाइस मैं अपने ट्रक को बाहर निकालता हूँ और अभी सीधा लेकर हम लोग निकल लेते हैं मिलिट्री बेस के लिए। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं भाग कर आ चुका हूँ दूसरी साइड पर, यानी जिधर ट्रक का गेट है। तो अभी जल्दी से हम लोग ट्रक के अंदर बैठते हैं और अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन तू बाद में बैठे, पहले मेरे को ट्रक बाहर निकालने दे यहाँ पर आराम से। और भाई सच्ची में यार लेस्टर भी एक अलग ही जुगाड़ू आदमी है, पता नहीं यार कहाँ पर घुसेड़ के इस ट्रक को खड़ा कर रखा है। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसे थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। फ्रैंकलिन पहले बैठेगा, उसके बाद गाइस यार यहाँ से हम लोग निकलेंगे। वैसे अभी ना मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही कि ये जो अपना ट्रक है मुझे इसका गेट बंद करना चाहिए या फिर नहीं, पता नहीं यार। जब लेस्टर बोलेगा तब इसका गेट बंद कर लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग नॉर्मली रेलवे ट्रैक से निकल लेते हैं थोड़ा आगे तक, उसके बाद जब रोड पर जाएंगे तो मैं इसका गेट बंद कर लूंगा। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पर मोड़ता हूँ, ट्रेन तो नहीं आ रही ना, कहीं पता चले पीछे से ट्रेन आ जाए। तो चलो यार अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं सीधा मिलिट्री बेस के लिए। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपने ट्रक को लेकर पहुंच चुका हूँ मिलिट्री बेस के गेट नंबर 1 पे। और गाइस मैंने कहा था कि हम लोग मेन गेट से नहीं जाने वाले। तो यार देखो जो अपना रास्ता है ना वो मेन गेट के थोड़ा बगल से ही है और ये एकदम यूनिक तरीका है मिलिट्री बेस के अंदर एंटर होने का। जो मिलिट्री बेस है ना गाइस, ये चारों तरफ से काफी ऊंची ऊंची जो बैरियर है, आप फिर वॉल कह सकते हो, उनसे पूरा कवर हो रखा है। और वो सारी की सारी ना मतलब लोहे की है जिनके अंदर करंट भी हो सकता है। तो लेस्टर ने एक जगह पता करी है जहां पर वो चीज नहीं है। तो भी जल्दी से ना हम लोग वहां पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां से हम लोग एंटर हो पाते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं हो पाए तो हमें मेन गेट से ही जाना पड़ेगा और कोई तरीका लगा के। तो भी जल्दी से ना अपने ट्रक को मैं यहाँ पर एकदम धीरे धीरे से नीचे उतारता हूँ। तो सबसे पहले मुझे वाली रिवर पार करनी पड़ेगी और सामने की तरफ मैं आप लोग देख पा रहे हो कितना बड़ा मिलिट्री बेस है। तो भी जल्दी से ना यहाँ पर अपने ट्रक को मैं लेफ्ट मोड़ता हूँ। यार इतने सारे यहाँ पर पंछी बैठे हैं भाई, क्या ही बताऊँ। तो भी काफी ज्यादा संभल के चलानी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके ऊपर चढ़ा दूँ। वैसे मेरे को ना अपने ट्रक को नदी पार करा लेनी चाहिए, क्योंकि आगे जो नदी है ना वो काफी ज्यादा चौड़ी हो गई है, तो वहां से पार कराना मुश्किल है। यहाँ से तो बहुत आराम से हो जाएगी। एक तो जो ट्रक है ना इसके टायर भी बहुत छोटे छोटे हैं, हल्का सा भी डूब गया ना मतलब कीचड़ वीचड़ में फंस गया तो बाहर भी नहीं निकल पाएगा ऐसा लग रहा है। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल मैं इस साइड पर आ चुका हूँ और इधर ना मिलिट्री वालों की लिटरली सिक्योरिटी है ही नहीं। और यहाँ पर गाइस एक हेलीकॉप्टर अभी अभी उड़कर जा रहा है, इसको पहले जाने दो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर शक करे तो गड़बड़ हो जाएगी। और गाइस हमें ना अभी इसी साइड पर जाना है, तो भी जल्दी से ना मैं अपने इसको ऊपर लेकर चलता हूँ। यार ये हेलीकॉप्टर जा क्यों नहीं रहा, यहाँ से जल्दी जाना। तो चलो गाइस फाइनली पूरी के पूरे 10 मिनट वेट करने के बाद वो जो हेलीकॉप्टर है यहाँ से जा चुका है। तो अभी जल्दी से ना मैं अपने ट्रक को थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ। और गाइस अभी वो जो हेलीकॉप्टर है ना ज़्यादा दूर नहीं गया है, वो सामने जो टावर है ना वहीं तक गया है और घूम के वापस आ रहा है। अब जब तक वो वापस आए उससे पहले ना मुझे अपनी कोई छुपने की जगह ढूंढ लेनी चाहिए। और गाइस वो वापस आ ही चुका है यार, अब तो कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी एकदम टाइट। ओ मुड़ गया मुड़ गया मुड़ गया। तो चलो गाइस अभी फिलहाल वो हेलीकॉप्टर वापस से मुड़ गया है, अभी जल्दी से ना मैं अपने ट्रक को आगे लेकर चलता हूँ। नहीं 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 ओके ओके बच गया भाई, अगर अभी नीचे जाता ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। उम्मीद है अंदर लेस्टर का जो कंप्यूटर वगैरह ना वो भी बिल्कुल सेफ ही होगा, वैसे गिरा तो नहीं होगा, लेस्टर ने एकदम मस्त तरीके से उसे लगाया है। और गाइस यहां पर कोई भी मिलिट्री वालों का बंदा मेरे को नजर तो नहीं आ रहा है, बट यहां पर होते हैं, मैं कई बार आया हूं, मेरे को पीछे की तरफ में बंदे दिखे। ओके एक बंदा सामने बैठा हुआ है, तो गड़बड़ हो सकती है, बट अगर मैं नीचे से लेके जाऊंगा ना ट्रक तो वो नहीं देख पाता। चलो 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 बस 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 हो गया हो गया हो गया, बस अभी ट्रक फिसले ना। तो चलो गाइस अभी फिलहाल अपने ट्रक को मैं यहां तक लेकर आ चुका हूं, जल्दी से ना गाइस अपने ट्रक को मैं घुमा के इधर ही पार्क कर देता हूं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने अपने ट्रक को इधर पूरा का पूरा सेट कर लिया है, जल्दी से मैं इसे एकदम आगे लेकर चलता हूं। और गाइस इधर अभी फिलहाल मैंने इसे पार्क कर दिया है, ऊपर दो वॉच टावर है, उम्मीद है हमें किसी ने नहीं देखा होगा। अभी जल्दी से ट्रक से उतरते हैं और देखते हैं क्या करना चाहिए। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम दोनों ट्रक से उतर चुके हैं और ट्रक के जो पीछे वाले गेट थे यानी जो ट्रंक थे वो मैंने दोनों के दोनों खोल दिए हैं। अभी जल्दी से लेस्टर से बात करते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस लेस्टर ये कह रहा है कि उसने यहां पर आसपास के 6 सीसीटीवी डिसेबल कर दिए हैं। करने को तो ये और भी कर देता लेकिन वो आउट ऑफ रेंज है, यानी कि अगर हम लोग इस जगह के अंदर एंटर होने की कोशिश करेंगे ना तो कोई भी हमें यहां पर देख नहीं पाएगा और अपनी
एकदम सीक्रेटली एंट्री हो जाएगी। तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं ट्रक के ऊपर चढ़ता हूँ सबसे पहले तो, और एक बार ही देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर मिलिट्री सोल्जर्स हैं या फिर नहीं है। वैसे यार देखो सिक्योरिटी तो हर जगह ही होगी और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है, मतलब यार दो सोल्जर्स उधर खड़े हैं और चार सोल्जर्स उधर अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो फ्रैंकलिन जल्दी से ऊपर आ, अभी एक बार ही बस हम लोग अंदर चले गए ना फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और गाइस लेस्टर ने ना हमें एक चिप दिया है, हमें सबसे पहले ना वो जो सीक्रेट बेस है उसको ढूंढना है और उसके अंदर जाने के लिए ना गाइस उसमें चिप लगानी पड़ेगी ताकि लेस्टर उसका हैक करके पासवर्ड तोड़ पाए। तो भी जल्दी से ना गाइस दीवार टाप के अंदर चलते हैं, बस ये मेरे को देखना ले। अभी फिलहाल यहाँ पर एकदम आराम से मैंने जंप मारी और गाइस एकदम आराम से मैं उस साइड पर आ गया हूँ। अभी ना थोड़ी देर के लिए मैं इधर छुप जाता हूँ, फिलहाल फ्रैंकलिन को आने का वेट करते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन भी इस साइड आ चुका है, बट हम लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि सामने की तरफ में दो दो सोल्जर्स खड़े हैं। और गाइस ये लोग अगर हमें देखेंगे ना कि हम लोग पीछे से कहाँ से आ रहे हैं तो इनको हमारे ऊपर बहुत शक होगा, और वैसे भी हम लोग फायर फाइटर्स हैं तो भाई बेमतलब ऐसी गड़बड़ नहीं करनी। एक काम करता हूँ गाइस जल्दी से ना ऊपर चढ़ता हूँ वापस से। हम लोग ना गाइस इस तरफ में एक रास्ता हो रहा है, यहाँ पर चलते, इधर कोई बैठा तो नहीं है ना, जल्दी से आ जाओ, उनका ध्यान इधर नहीं है। और यहाँ पर चार लोग हैं, इन्होंने भी नहीं देखा, जल्दी 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 फ्रैंकलिन अगर जल्दी से आ जाएगा ना भाई सब कुछ हो जाएगा। फिलहाल ये जगह ना पूरी की पूरी ऐसी बना रखी है कोई भी डायरेक्टली एक बार भी नहीं आ सकता। तो गाइस जल्दी से ना मैं यहाँ पर खड़े होता हूँ, फिलहाल इधर अभी कोई भी नहीं है। सामने की तरफ में एक बंदा है जो कि अपना फुल एक्सरसाइज करवाने में लगा हुआ है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन भी भाग कर इधर आ चुका है, तो जल्दी से ना गाइस हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं चुपचाप, क्योंकि गाइस अभी ना इधर बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है अगर लेफ्ट से जाएंगे तो। फिलहाल सामने की तरफ में देखो भाई सीसीटीवी लगे हुए हैं, अगर हम लोग अभी डायरेक्टली आ जाते ना तो अंदर तो आ जाते, बट सीसीटीवी में ये लोग देख लेते कि हम लोग दीवार टाप के आ रहे हैं, फिर तो इनको साफ अपने ऊपर शक हो जाता है। लेकिन लेस्टर ने सारे डिसेबल मार दिए हैं। तो गाइस अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर चढ़ते हैं और यहाँ पर भी एक रास्ता है, तो जल्दी से ना गाइस अभी हमें आगे निकलना चाहिए। फ्रैंकलिन जल्दी आ, अभी गाइस यही एक रास्ता जो कि मैं बचा सकता हूँ। शिट यार मैं नीचे गिर गया, अभी जल्दी से ना यहाँ पर ऊपर चढ़ते हैं, एक बार सिक्योरिटी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर फिलहाल मेरे कोई भी नजर नहीं आ रहा, तो अभी जल्दी से ना गाइस मैं इस पार चलता हूँ और यहाँ पर अभी कोई है क्या? एकदम आराम आराम से गाइस मेरे को आगे चलना है, खतरा अपने को भी। ओ भाई यहाँ पर सामने की तरफ में दो तीन बंदे अपना खड़े हुए हैं, डस्टबिन में कुछ कर रहे हैं, बट यार है तो यार ये मिलिट्री वाले तो इनसे भी काफी ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन भी भाग कर इस साइड पर आ चुका है और गाइस सामने की तरफ में तीन सोल्जर्स थे जिसमें से दो जा चुके हैं, एक ही उधर बचा हुआ है। तो गाइस अभी ना जल्दी से हम लोग उसके पास चलते हैं और उसको जलाकर उसका खेल खत्म कर सकते हैं, वरना यार यही बंदा है जो कि हमारा काम खराब करेगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको जला दिया और भाई बहुत ही बुरी तरह जला, इसको बुझा भी दो भाई, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा देर तक चिल्लाते रहे और कोई ना कोई इसकी आवाज सुनकर इधर आ जाए। और ये सब कुछ बुझा दो इसको ना गाइस, मैं सोच रहा हूँ इसको ना कूड़े के डब्बे के अंदर ही डाल देते हैं, इसका खेल वहीं खत्म हो जाएगा। वैसे यार फ्रैंकलिन ये काम तू कर। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल सब कुछ एकदम बढ़िया हो चुका है यहाँ पर, गाइस अब हमारे ऊपर कोई भी शक नहीं करने वाला, सबकी नजरों में गाइस इस टाइम पर हम लोग मिलिट्री बेस के आदमी बन चुके हैं, यानी कि लॉस सैंटोस फायर डिपार्टमेंट के मेंबर। और गाइस अभी कोई भी बंदा नहीं है जो हमें पहचान पाए। वैसे यार इसकी बॉडी से ना थोड़ा बहुत धुआं निकल रहा है, इसको अच्छे से बुझा दो, वैसे तो ये ज्यादा पहचान में नहीं आएगा, कूड़ा ही लग रहा है पूरा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। फिलहाल उत्तरी यहाँ पर तो गाइस तीन तीन बंदे और LSFD के, और अगर इन्होंने हमें देखा तो ये लोग पहचान लेंगे क्योंकि गाइस ये लोग यहीं पर काम करते हैं, इन्हें पता होगा यार एक दूसरे की शक्ल। तो यार इन तीनों को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा क्या? अगर इन तीनों को जलाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है क्योंकि ये पूरी की पूरी ओपन फील्ड में है। वैसे गाइस मेरे पास ना एक मस्त आइडिया है, इनको ना पीछे बुलाता हूँ और जब ये पीछे आएंगे ना तो इनके चाकू मारेंगे। नहीं यार वो चीज़ भी बेकार है, रुक जाओ गाइस अभी ना सबसे पहले ना यहाँ पर मैं इनको जला के इनका खेल ही खत्म कर देता हूँ पूरा का पूरा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इन तीनों को भी जला दिया, यहाँ पर जल्दी से बुझा भी दो, बुझ बुझ बुझ, चिल्लाओ मत भाई, यहाँ पर इनका मुंह बंद कराना पड़ेगा, इतना चिल्ला रहे भाई। चलो 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 शांत। तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर हमने इन तीनों को भी शांत करा दिया। सामने की तरफ से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, इनके आगे खड़े हो जाओ, वैसे वो हेलीकॉप्टर बस हमें देख ना पाए। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन तीनों की बॉडी बहुत ही बुरी तरह जल चुकी है, मेरे को तो लग रहा है कि गाइस हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। फिलहाल इस तरफ में और कोई मिलिट्री सोल्जर्स तो नहीं है और ज़्यादा आगे तक आवाज नहीं पहुंची, वैसे मेरे को लग तो रह गई होगी। और यहाँ पर अभी ना फिलहाल हमने एक यहाँ पर जो मतलब फायर ब्रिगेड है उसको ले लिया है। तो गाइस अभी ना जल्दी से यहाँ पर मैं से आगे लेकर चलता हूँ इसको ना गाइस, मैं पीछे ले जाकर ना पार्क करने वाला हूँ इनके ऊपर ताकि कोई भी बंदा ना इनकी बॉडीज ना देख पाए, ठीक है? तो भी जल्दी से ना इस ट्रक को मैं इस तरफ में पार्क कर देता हूँ, अब मेरे हिसाब से ना इनको कोई भी नहीं देख पाएगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल एकदम बढ़िया तरीके से मैंने अपने ट्रक को यहाँ पर पार्क कर दिया है। और गाइस यही एक रीजन है कि लेस्टर ने हमें इस तरीके से अंदर आने के लिए कहा, मतलब यार ये जो अंदर की फायर ब्रिगेड है ना ये बिल्कुल एकदम इन्होंने अलग कलर की कर दिया है और बाहर से ना इस कलर के लोग ना ही अंदर आने देते हैं ना ही यहाँ से बाहर जाने देते हैं, इसलिए अगर हमें गाड़ी चाहिए थी तो सिर्फ और सिर्फ इनकी, बाहर से लाने का कोई फायदा नहीं था। और गाइस यहाँ पर अभी जितने भी सोल्जर्स हैं ना ये हमें कुछ भी नहीं कहने वाले, और अच्छा हुआ कि इन लोग से हम बच गए। तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं अपने यहाँ पर फायर ब्रिगेड लेकर आगे निकलता हूँ और वो जो सीक्रेट बेस है ना उसको ढूंढते हैं। सबसे पहले ना गाइस एक कोने में चलता हूँ, वहाँ से मेरे को लेस्टर से बात करनी है कि जो आधा काम है वो चुका है, अब बाकी आगे क्या काम करना है वो बता।
वैसे इस तरफ में एक ट्रक खड़ा हुआ है, जल्दी से अपनी मतलब कि जो फायर ब्रिगेड है इसको मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ और अभी जल्दी से मैं लेस्टर को कॉल लगाता हूँ। तो कि गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से प्लान को लेकर बात हो चुकी है और गाइस लेस्टर ने ना मेरे मोबाइल पर मिलिट्री बेस का जो मैप है वो भेज दिया है। और आप लोग को मालूम होगा मिलिट्री बेस किसी को भी मैप में नजर नहीं आता है, क्योंकि यार ये चीज़ जो है वो लोग अलाउ नहीं करते, किसी भी नॉर्मल बंदे के पास नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री वालों के पास होता है, बट लेस्टर ने हैक करके हमें भेज दिया है। बाकी तो यार देखो लेस्टर कह रहा है यहाँ पर ना तीन चांसेस है, मतलब तीन बेस है सीक्रेट जिसके अंदर अंडरवाटर माफिया हो सकता है। एक बेस यहाँ पर है, दूसरा बेस यहाँ पर है और तीसरा बेस यहाँ पर है। तो चलो यार अभी ना एक एक करके मैं सारे बेस चेक करता हूँ। सबसे पहले ना गाइस चलते हैं हम लोग इस वाले पर। बाकी यार अभी ना हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ पर एकदम आराम से घुमा सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और यार ये देखो मैंने अभी ना गाइस वे पॉइंट लगाया है और ये देखो यहाँ पर गूगल वगैरह कुछ भी नहीं काम करता है, वे पॉइंट भी पूरा गलत है। तो चलो कोई नहीं, अभी ना हमें एकदम अपने अंदाजे से अपनी गाड़ी को चला कर ले जाना पड़ेगा। गूगल मैप्स गाइस यार बिल्कुल भी नहीं काम करता, वो तो लेस्टर है जिसकी वजह से हमें यहाँ का मैप मिल गया। तो भी जल्दी से ना मैं अपने ट्रक को यहाँ पर लेफ्ट मोड़ता हूँ और यही है ना वो रास्ता। ओके ओके बिल्कुल सही रास्ते पर मैं जा रहा हूँ, मुझे आगे वाले कट से राइट लेना है। और गाइस यहाँ पर बस मेरे को ना कोई भी LSFD का मेंबर ना मिल जाए, मतलब लॉस सैंटोस फायर डिपार्टमेंट का, वरना गाइस वो मेरे को पहचान जाएगा और फिर गड़बड़ हो सकती है। फिलहाल ये जगह है और गाइस ये देखो कितना तगड़ा सीक्रेट बेस है। लेकिन यार इसके अंदर मैं शायद से एक बारी पहले गया हुआ हूँ ना, एक बारी हम लोग पहले यहाँ पर आए थे, किसी को छुड़ाने के लिए ही आए थे जहाँ तक मुझे याद है। ओके 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 अपने डायमंड्स लेने हम लोग यहाँ पर वापस आए थे। तो अभी ना जल्दी से एक बारी मैं इसके अंदर चलकर देखता हूँ। वैसे यार सीक्रेट बेस के अंदर तो ये लोग मेरे को जाने देंगे या फिर नहीं देंगे मुझे मालूम नहीं है। वैसे अंदर तो हम लोग की जरूरत होती होगी, यानी कि LSFD वालों की। वैसे ये जो गेट है यार पूरा बंद हो चुका है और ये लिफ्ट इस टाइम पर पूरी लॉक्ड है, तो हम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते, हमें कोई दूसरे वाले बेस पर चलना पड़ेगा। लेस्टर कह रहा है कि वहां पर ना एक पासवर्ड डालने का होगा, उधर वो जो उसने हमें पेन ड्राइव दिया ना वो लगानी है ताकि वो पासवर्ड खुल जाए। तो फ्रैंकलिन कहां पर रहेगा? फ्रैंकलिन जल्दी से आ, ट्रक में बैठ। और यहां पर इस मिलिट्री वाले ने कुछ भी नहीं कहा यार, यानी हम लोग शायद से सीक्रेट बेस के अंदर जा सकते हैं अगर हमें पासवर्ड पता है तो। वैसे हमें पता तो नहीं है, लेस्टर ही हैक करके बताएगा। तो भी जल्दी से ना अपनी फायर ब्रिगेड को मैं लेकर चलता हूं पीछे की साइड पे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपने ट्रक को लेकर दो जगह तो चेक कर चुका हूं, यानी जो पहली जगह वो मैंने आपको दिखाई थी और जो दूसरी जगह वो है ये टावर फोर्ट जोन गुड़गा। इसको तो मैं दो तीन बारी ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूं पूरा का पूरा। तो यार इसके अंदर तो कोई भी सीक्रेट चीज या सीक्रेट बेस नहीं है, ये एक सिंपल सा टावर है। तो भी ना जल्दी से अपने फायर ट्रक को लेकर चलता हूँ तीसरी वाली लोकेशन पर जो मुझे लेस्टर ने दी थी। क्या पता वहां पर कोई ना कोई सीक्रेट लोकेशन हो। वैसे यार ये जो जेट है काफी ज्यादा तगड़ा नहीं लग रहा, छोटा सा। इस जेट को शायद से मैंने पहले एक बार चला रखा है। तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं अपने फायर ट्रक को आगे लेकर चलता हूँ। बाकी तो यार आप लोग वहां पर देखो, एक सेकंड भाई वहां पर तो मिलिट्री सोल्जर्स खड़े हुए हैं। वैसे मेरे को डरने की बात तो नहीं है, बट फिर भी एक यार पता मेन सीन क्या होता है ना, ये रास्ता नहीं है, ये एक पूरी पूरी एयरलाइन है। तो अगर मैं एयरलाइन पर चलाऊंगा ना तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि यार गाड़ी जो है अपनी रोड पर चलानी चाहिए। तो भी जल्दी से मैं अपने फायर ट्रक को ना रास्ते से लेकर जाऊंगा ताकि वो लोग मेरे को कुछ भी ना कहें। वैसे यार ये जो जगह है भाई मेरे को अब थोड़ी अलग सी लग रही है। वहां पर ना काफी ज्यादा बड़े बड़ी ना टाइप से वॉल्स आप कह सकते हो, जैसे इधर लगी हुई है ना सेम टू सेम वैसी वॉल्स वहां भी लगी हुई है। और सामने यहाँ पर कुछ, ओ भाई साहब यही जगह है गाइस, यही है वो सीक्रेट बेस जहां पर हमें आना है। सामने की तरफ में आप लोग देख पा रहे हो पांच पांच सोल्जर्स खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। पीछे दो सीक्रेट बेस थे उसमें एक भी सोल्जर्स नहीं था, बट यार यहां पर पांच पांच सोल्जर खड़े हैं। अभी जल्दी से मैं अपने ट्रक को ना गाइस यहां पर अंदर तो ले जाऊंगा, बट यार गड़बड़ तो हो ही जाएगी बहुत ज्यादा। बट फिर भी यार अभी हमें करना ही पड़ेगा, अभी इनको लोग को मारना पड़ेगा। डायरेक्ट तो ये लोग मेरे को जाने नहीं देंगे। गाइस एक काम करता हूँ, इनके ऊपर ये पानी डाल दूंगा ना तो शायद से ये लोग गिर जाएंगे, और उसके बाद गाइस उतर के ना इनको सीधा जला दूंगा। तो 3, 2, 1 तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बिना फिलहाल मैंने इनके ऊपर एकदम दबा के पानी डाल दिया, इनको पूरा बेहोश कर दूंगा, इनको उठने नहीं देना। और भाई आपको पता है इसका प्रेशर कितना ज्यादा होता है, उठ मत बेटा पूरा बिगा दूंगा, होली खिला दूंगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन सबका खेल तो मैंने खत्म कर दिया है, एक बार ही ना गाड़ी से उतर के इनको पूरा खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये ना मेरे हिसाब से अभी बेहोश ही होंगे। अभी फिलहाल इनको ना जला के भी इनका गेम मेरे को हल्का हल्का खत्म करना पड़ेगा। वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा जलाने का, बट यार अभी ना जलाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ इनके ऊपर ना ये मैं गैस डालता हूँ ताकि ये बेहोश हो जाए। वैसे यार इनकी हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब हो गई है, इनको जला के भुजा भी देता हूँ तुरंत के तुरंत। ये मैंने जलाया और साथ के साथ गैस भुजा भी दिया। चलो भाई अभी यहाँ पर दो को तो खत्म करा, और फ्रैंकलिन बाहर से नहीं जल्दी अंदर से आ। और गैस यही वो जगह है जहां पर हमें चिप लगा के इसका पासवर्ड हैक करवाना है लेस्टर से, फिर ये जो चीज है ना काम करेगी, पता नहीं कैसे ये जगह खुल जाएगी मेरे हिसाब से। तो अभी जल्दी से देखते हैं क्या करना है। तो चलो गैस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है। लेस्टर कह रहा है कि जल्दी से जल्दी ना इसको स्कैन करो तभी वो इसको देख के हैक कर पाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर ना इसकी एक मैं पहले तो ढंग से फोटो खींच के भेजता हूँ, क्योंकि
क्योंकि उसने मेरे से एक फोटो भी मांगी है और बाकी इसको स्कैन करके भी भेजना है, पता नहीं पीछे क्या लिखा हुआ है, सब कुछ करेगा लेस्टर करेगा। अभी जल्दी से मैं वाली मैं फोटो भेजता हूँ ताकि इसे लेस्टर वहीं से अनलॉक करे। तो चलो यार जल्दी 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 चले जाए यार। तो गाइस अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि जिसके ऊपर हम खड़े हैं ना ये एक बहुत बड़ी लिफ्ट है, यानी कि जमीन के अंदर जाने वाली है, 1 से 2 मिनट के अंदर वो इसे हैक कर देगा। यार ये क्या सीन है मेरे को समझ नहीं आ रहा, बस यहाँ पर कोई आ ना जाए। अभी फिलहाल किसी को मालूम तो नहीं पड़ा है, बट एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो वो इधर आएगा तो उसे मालूम पड़ जाएगा। तो ओके गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल इस लिफ्ट के थ्रू मैं मिलिट्री बेस की बेसमेंट में आ चुका हूँ, यानी कि ये जो जगह आप देख पा रहे हो ये है मिलिट्री बेस का 3रा सीक्रेट बेस, जो कि और काफी ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा खतरनाक सा है। तो बिना गाइस मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी अंदर चलता हूँ। वैसे मुझे ना इतनी डरने की बात है नहीं क्योंकि सामने की तरफ में ना 2 सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने मेरे को ऑलरेडी देख लिया लेकिन कुछ कहा नहीं, तो शायद से मैं यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम की बात है नहीं। यहाँ पर ना गाइस आगे 2 गेट है और यहाँ पर राइट में भी सिक्योरिटी है। यार ये कैसी जगह अजीब सी यार बिल्कुल, मतलब क्या क्या चीजें हैं। और यहाँ पर 1 गेट इधर भी है 1 गेट इधर भी है, इसके अंदर चलकर देखते हैं पासवर्ड। ओ बिना पासवर्ड डाले खुल गया। तो चलो यार अभी जल्दी से और आगे चलते हैं। फिलहाल सामने की तरफ में ना मेरे को चेकिंग करवानी पड़ेगी, 1 मिनट पहले लेस्टर को कॉल कर देता हूँ। और फ्रैंकलिन कहाँ पर रह गया, फ्रैंकलिन जल्दी से अंदर आ, लेस्टर से एक बारी बात करते हैं, पूछते हैं उसे चेकिंग करवानी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए बताए। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस लेस्टर ये कह रहा है कि चेकिंग के टाइम पर ना वो लोग तुम्हारी बॉडी के अंदर बुलेट प्रूफ आर्मर डिटेक्ट कर लेंगे और अगर उन्होंने वो चीज़ डिटेक्ट कर ली तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए गाइस लेस्टर कह रहा है कि इनका जो खेल है खत्म करना है, स्टार्ट कर दो तेरी भैंस की डांग निकाल यहाँ से। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर जितने भी बंदे हैं सबको बहुत ही बुरी तरह मारना है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो फाइट है ना गाइस बहुत ज़्यादा जबरदस्त हो चुकी है। यहाँ पर जैसा जैसे हमें लेस्टर ने बोला था ना सेम टू सेम हम लोग वैसे करने वाले हैं। लेस्टर ने कहा था कि जितने भी स्मोक ग्रेनेड है ना सारे के सारे वहां पर डाल देना ताकि तुम लोग सीसीटीवी में भी ना पाओ और ये लोग हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। अभी फिलहाल एकदम हमने हर तरफ स्मोक डाल दिया है और इससे ना सारे के सारे लोग बेहोश जाएंगे, बट अभी हमें कुछ नहीं होने वाला क्योंकि हमने तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रखा और पीछे से बंदे आ गए। इसकी भैंस के रंग मार, इसको बहुत सही फ्रैंकलिन बहुत बढ़िया। यहाँ पर सामने में भी कुछ बंदे हैं यार, रुक जाओ अभी ना सबसे हमें बचकर जाना पड़ेगा। रुक जाओ फ्रैंकलिन, इधर से जंप मार के मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर गाइस सामने से भी बंदों ने आना शुरू कर दिया है, 1-2 नहीं है गाइस काफी सारे बंदे हैं। अभी ना यहाँ पर इन सबको डाउन करता हूँ और अभी पता करते हैं मैं लेस्टर से पूछूंगा कि आखिरकार आगे क्या करना है। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मेरे सामने 3 बंदे और आ गए हैं, इनके ऊपर मैं स्मोक डालता हूँ। ये देखो इन सबको चक्कर आने वाले हैं और सारे के सारे ये लोग बेहोश होने वाले हैं। थोड़ी देर की बात हो रहा है बेटा, जो करना है कर लो, ये लेस्टर का प्लान है भाई, कभी नहीं फेल हो सकता। तो अभी जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी गन लेकर आगे चलता हूँ, निकल बेटा यहाँ से। सारे के सारे खांसने लग गए ना, हो गई ना हालत खराब, इसलिए कह रहा था मत लो पंगे। तो चलो गाइस अभी फिलहाल इन सबको तो हमने ढेर कर दिया है, यहाँ पर और बंदे तो नहीं है ना। ओ भाई सामने से, ओ भाई क्या इसके हेडशॉट कितना जबरदस्त मारा यार मैंने। फ्रैंकलिन जल्दी से तू पीछे के बंदे देख, यहाँ पर मैं लेस्टर को कॉल लगाता हूँ, देखते हैं हमें आगे क्या करना चाहिए। अभी फिलहाल यहाँ पर एक आध गोली तो पड़ गई है लेकिन इतना चलेगा, पूरा आर्मर वार्मर पहन रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी लेस्टर कॉल उठा भाई, टाइम नहीं है, जल्दी कर। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस लेस्टर ये कह रहा है कि यहाँ पर ना काफी सारे रूम्स होंगे, उनमें से किसी एक के अंदर हमें अंडर वाटर माफिया भी मिल सकता है, तो जल्दी से ढूंढना शुरू करो। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये वही सबमरीन है जो कि हैकर यूज करता है, शायद से ये लोग को उसकी भी तलाश है। बट यार अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर काफी सारे रूम है, पूरे सारे के सारे लॉक है, फायर डोर डू नॉट ब्लॉक, पता नहीं क्या सीन है यार, यहाँ पर सारे रूम ब्लॉक्स हैं। और अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर अपनी एंट्रेंस थी यार, काश हमारे पास एक आईडी कार्ड होता। ओ भाई सामने की तरफ बंदा यहाँ पर खड़ा छुप के बैठेगा, तेरी भैंस की डांग। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल पीछे की तरफ में जितने भी रूम्स थे वो मैंने सारे के सारे चेक कर लिए, उनका एक भी गेट नहीं खुला। फिलहाल आगे की तरफ में चलता हूँ, यहाँ पर ना गाइस 3-4 गेट और हैं, इनको खोल कर देखते हैं। यार ये सारे ना रेड हो रखे हैं, इन सब के अंदर कोई पैटर्न लॉक डलेगा, बट यार इस चीज़ को हैक कैसे करेंगे मेरे को ये भी नहीं समझ आ रहा। वो तो चलो अभी हम लोग लेस्टर से बात करेंगे। ये सारे के सारे गेट ना गाइस लॉकड हो रखे हैं, पता नहीं यार इसके अंदर हम लोग कैसे जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ना गाइस एक रूम हो रहा है, ये तो पूरे का पूरा ब्लैक शीशे से ढका हुआ है। एक सेकंड यहाँ पर, ओ भाई इधर बटन है, एक सेकंड यहाँ पर अगर मैं इस बटन को दबाऊं तो क्या होगा। अंदर आ जा एक सेकंड रुको। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो जैसे ही मैं इस बटन को दबा रहा हूँ ना तो ये जो ग्लास है नॉर्मली हो जा रहा है, बट जैसे मैं कर रहा हूँ तो एक टाइप से ना प्राइवेसी ग्लास है, मतलब अगर हमें नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल भी रख सकते हैं, बट कोई जैसे पर्सनल मीटिंग वगैरह होती होगी तो ये लोग इसे ब्लैक कर देते होंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ तो मैंने पूरी चेक कर ली है और यार यहाँ पर बस एक कंप्यूटर है, पता नहीं यार इधर क्या चीज़ है, कुछ भी समझ नहीं आ रही। अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एक आगे की तरफ में रूम था वो मैंने शायद से चेक नहीं करा है, तो अभी जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं, शायद से वहां पर कुछ ना कुछ मिले। तो गाइस देखो यही है वो रूम जिसकी मैं बात कर रहा था और इसके अंदर 3-3, 4-4 बंदे छुप कर बैठे हुए थे। मार सबको, किसी को मत छोड़ो। और एक सेकंड यहां पर और बंदे आ गए क्या, कोई बात नहीं, आंदे 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 अब मैं इनका मुंह तोड़ूंगा सबका। लो गाइस यहां पर मैंने दोबारा से स्मोक डालना शुरू कर दिया है। तो गाइस यहां पर एक सेकंड, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक से हो रहे हैं। अभी ना गाइस इनको मैं बराबरी का मुकाबला करके दिखाता हूं। यहां पर भाई ये तो कुछ ज्यादा बंदे आ गए। ओ भाई यहां पर तो एक के बाद एक बहुत सारे बंदे आ जा रहे हैं। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल यहां पर और भी बहुत सारे बंदे आ चुके हैं, वो तो अच्छी बात यह है कि मैंने एकदम सही टाइम पर स्मोक
नॉक कर दिया है। अब ये लोग ना ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाले, इन सबको मारना शुरू कर दे फ्रैंकलिन, वरना ये लोग हमें मारेंगे बहुत ही बुरी तरह। उधर यहाँ पर भी फिलहाल इन सबको डाउन करा, पीछे की तरफ में और बंदे निकल। चलो गाइस अभी फिलहाल इसको मैंने मारा। ओ भाई यहाँ पर पीछे, ओ भाई पीछे से और बंदे आ गए। ओ शिट यार गाइस, बाहर से भी बंदों ने आना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर अंदर जो गेट खुल नहीं रहे थे ना, उसके अंदर से भी बंदों ने आना शुरू कर दिया है। रुक जाओ, तुम्हारा ज्यादा ही हो रहा है ना, यहाँ पर अभी एक स्मोक डालूंगा। मार मार मार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक स्मोक सीधा अंदर ही डाल देता हूँ, और यहाँ पर सामने वालों के लिए भी एक स्मोक। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही गलत सीन हो गया अपने साथ। यहाँ पर पूरे पूरे एरिया में धुआं ही धुआं करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अभी जल्दी से ना गाइस मैं अपनी एमपी फोर निकालता हूँ, यहाँ पर इन सबका मुंह तोड़ता हूँ बहुत ही बुरी तरह। बेटा चक्कर आ रहे हैं ना, इसीलिए मैं तेरे को मना कर रहा था। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन सबको मार दिया। लेकिन गाइस सामने से और भी बहुत सारे बंदे भागते हुए आ रहे हैं। फ्रैंकलिन जल्दी 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 पीछे आ भाई, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर गाइस जितने भी रूम लॉक थे ना, इसके अंदर मेरे हिसाब से बंदे भरे हुए हैं और इनका पासवर्ड इन्हीं लोग को पता है। तो जल्दी से फ्रैंकलिन, अभी अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं। और ये क्या जगह है भाई, एक सेकंड, यहाँ पर गाइस एक गेट है। ओ भाई ये तो गेट खुल गया, एक सेकंड। ओ भाई ये क्या चीज है, यहाँ पर सामने तो काफी ज्यादा बड़ा एक ऑडिटोरियम टाइप है कुछ। यहाँ पर इसको तो भी फिलहाल मैंने मार दिया। फ्रैंकलिन जल्दी से पीछे आ जा। तो गाइस अभी ना जल्दी से इस चीज की फोटो खींच के मैं लेस्टर को भेज देता हूँ। यहाँ पर बस पीछे से बंदे आके मेरे को मारना दे, वही कुछ बताएगा कि ये क्या चीज है, और इसमें से अगर हम कुछ काम का निकाल सकते हैं तो बहुत ज्यादा सही है, अदरवाइज यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलो यार अभी जल्दी से जो फोटो है मैंने भेज दिया लेस्टर को, और अभी देखते हैं लेस्टर को कॉल करके कि लेस्टर क्या कहता है। वैसे यार यहाँ पर हमने तो तबाही मचा दी, और अब तो अंडर वाटर माफिया जहाँ पर भी उसको हम लोग बचा के निकलने वाले हैं। यहाँ पर ऐसे बंदे तो बहुत सारे आ रहे हैं उधर से, तो शायद से उनको मारना मुश्किल भी हो सकता है। जल्दी से लेस्टर से बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है अभी। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है, और गाइस लेस्टर ये कह रहा है कि अब तुम लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मतलब जहां से हम लोग एंटर हुए थे ना, उस जगह के ऊपर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इन लोगों ने लगा दिया है। अगर हम लोग निकलते हैं तो बचने के कोई भी चांस ही नहीं है। अगर कोई बाहर से आके बचा ले, जैसे ट्रेवर अपना दोस्त है, अगर ट्रेवर आए तो वो हमें बचा सकता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अब पता नहीं यार लेस्टर क्या प्लान बताएगा, और यहाँ पर अंदर भी हम लोग ज्यादा देर तक सेफ मेरे हिसाब से नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक सिक्योरिटी आई जा रही है। ये रूम थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, इसके अंदर हम लोग ना सेफ रहते हैं, और इसको अगर लॉक कर देंगे तो भी गड़बड़ है। वैसे यार ये रूम बेकार है। आगे जो नीचे वाला एरिया ना गाइस, वहां पर खाने पीने का भी सामान है, तो भी जल्दी से ना गाइस हम लोग वहां पर चलते हैं। पता नहीं यार अभी हमें क्या करना चाहिए, और यहां पर भी अभी काफी सारे बंदे हो सकते हैं। तो गाइस अभी लेस्टर ही बताएगा हमें आगे क्या करना चाहिए। अभी तो फिलहाल हम लोग यहां से बाहर नहीं निकल सकते, और अभी अंडर वाटर माफिया का भी कुछ नहीं पता वो कहां पर है। लेकिन गाइस लेस्टर कह रहा है कि ये जो सीक्रेट वाला रूम है ना जिसके अंदर तुम गए थे, वहां से जो लैपटॉप है उसके अंदर अपनी पेन ड्राइव लगा के डाटा सारा भेजो, फिर वो कुछ कर पाएगा। देखते हैं क्या सीन है। अभी जल्दी से इसके अंदर मोबाइल लगा के उसको सारा डेटा मैं भेज देता हूं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मोबाइल लगाकर मैंने उसको सारा का सारा डेटा भेज दिया है, बट अभी ना इस जगह पे हम लोग बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हैं। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना कि हमें यहां से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, और एक के बाद एक कमांड यहां पर आए जा रही है स्पीकर्स पे, वो भी मिलिट्री वालों की, कि सरेंडर कर लो ये वो। बट अभी हम लोग इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करने वाले। यहां पर वो वाला जो रूम है ना ऑडिटोरियम टाइप, ये अपने लिए थोड़ा बहुत सेफ है, बाकी देखते हैं लेस्टर कुछ करेगा तो ठीक है। बाकी आप लोग जाकर यार कमेंट में बताओ हमें क्या करना चाहिए यहां से निकलने के लिए। अंडर वाटर माफिया को भी नहीं बचा पाए और इतने बड़े जाल में आकर भी फंस गए। अच्छी बात तो यह कि अभी कोई भी हमें पहचान नहीं पाया कि हम लोग माइकल और फ्रैंकलिन है। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 650,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।